एक गाड़ी देखो कहाँ चढ़ी हुई है यार। ओ सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिट्स विखे। सो कैसी है पब्लिक, आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई जम्मू आ गए हो तो ये थोड़ा मैं बैठूंगा भाई, ब्लॉग बनाएंगे और उसके बाद एक जो नेक्स्ट हमारी राइड का अपडेट होगा वो भी तुम्हें थोड़े दिन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मारते हैं एक प्यारी सी राइड। आई राइड करने का मन किया तो भाई से निकल गए हैं। सो देखते हैं भाई आज का क्या सीन रहता है, कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि सुबह से तो भाई ब्लॉग वगैरह ही अपलोड कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था, तो बड़ा टाइम लग गया। सो अभी फ्री हुआ हूँ तो अभी बजे हैं 5:30, पता नहीं 6 बजे होंगे, तो अभी निकल चुका हूँ भाई। देखते हैं आज की डेस्टिनेशन क्या रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई नगरोटा जाके रुकना। सो अपना जम्मू भी तुम्हें पता ही बड़ा तबाही, और इस सीना को भाई मैंने अपनी ट्रिप पर बड़ा मिस किया जी। जिसने भाई भद्रवाह के ब्लॉग ना देखे कसम से कह रहा हूँ उसने कुछ नहीं देखा भाई। प्लीज़ यार मैं सच में बोल रहा हूँ, एक बार देखो भाई, तुम सच में इन्जॉय करोगे। इतने प्यारे से ब्लॉग बने ना वहाँ के भाई, भद्रवाह के इतने प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स हैं भाई। तुमने वो नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा, तभी कह रहा हूँ एक बार वो देख के आओ, तुम्हें पता लगेगा कि भाई कौन से ब्लॉग तुम लोगों ने मिस कर दिए। सो अगर जिसने देखा है तो भाई थैंक यू, जिसने देखा है तो भाई उसको दिल से प्यार, जिन्होंने नहीं देखा भाई कोई बात नहीं, तब भी जाके देख लो तुम्हें, आई होप बड़ा मज़ा आएगा। सो अभी चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन वाली साइड। तुम्हें पता ही हमारे जम्मू में ट्रैफिक आजकल ख़तरनाक ही रहता है भाई। एक जो यहाँ पे बीच में ब्रेकें मारते हैं ना, ये सिस्टम बड़ा ख़राब है। ओह शिट भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, ये खड्डे में गई बाइक। और यहाँ पे तुम्हें थोड़ी आगे आके भाई छोटे छोटे से मंकीस वगैरह दिख जाते हैं। सो भाई ध्यान से, अभी देखना पुलिस वाले चाचा ने खुद हेलमेट डाली और बीच में आने लगे थे, कसम से कह रहा हूँ इनको बच जाती ना तो पता लगता भाई क्या सीन होता है। मतलब कि यार क्या होता है ना, मतलब अगर तुम हमें सिखा रहे हो यार, हमने आपसे ही तो सीखना है भाई। अगर तुम हेलमेट नहीं डालोगे तो भाई कैसा चलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ पुलिस वालों को भाई अगर तुम भी ना हेलमेट डालोगे तो भाई कैसे चलेगा। मैं तो वो सोच रहा हूँ, बस वो चक्कर है, वो देख रहे छोटे छोटे से मंकीस। अब यहाँ पे देखते हैं भाई नाका नुका ना लगा, नाका लगा हुआ तो सीन हो जाएगा यार, खतरनाक चेक पोस्ट भाई। सो अभी हम पहुँच गए हमने नगरोटे वाली साइड में, तो फाइनली पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह में। वेदर भी खतरनाक सा हो रहा है, अभी थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत तूफान चलना भी स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमें जाना है नगरोटा फ्यूल स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर मेरे को टायर में हवा भी चेक करवानी है, साथ में भाई पेट्रोल वेट्रोल भी डलवाना है, तो वहाँ से डलवा लेंगे। अभी लीन मारते टाइम भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कहीं ना टायर स्लिप ना हो जाए, कोई पता नहीं, क्योंकि हवा तो मेरे को लग नहीं रही है प्रॉपर, जिसमें चाहिए जितनी उतनी है, क्योंकि जब मैं इसको ज़्यादा देर चलाता नहीं ना हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे को समझ नहीं आई। जब तो मेरे को लगता है अब इसके टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि इसके अगले टाइम में मैं जितनी बार भी हवा डलवाता हूँ ना भाई, 3 या 4 दिन के बाद निकल जाता है। और पंचर भी चेक करवाया भाई, पंचर भी नहीं है। ओह उन्होंने बीच में आना है। सो भाई 2-3 बार टायर भी चेक करवा दिया, उसका भी समझ नहीं आ रही कि क्या सीन है। आई थिंक सो भाई टायर ही चेंज करवाने ना पड़ जाए। सो भाई पहुंच गए हम फ्यूल स्टेशन, सो करवाते हैं फ्यूल फ्यूल, उसके बाद मिलते हैं तो वैसे अब। सो फाइनली अभी फ्यूलिंग वगैरह करवा लिया, सो अभी निकल चुके हैं और राइड कंटिन्यू करते हैं भाई। हवा हुआ सख्ती चल रही है भाई, मौसम की बात मत ही करो तुम भाई। जम्मू में थोड़ी देर भाई गर्मी पड़ गई थी, उसके बाद तो भाई वापस से सही हो गया। सो अब मज़ा आ रहा है राइड करने का। सो कंटिन्यू बाइक साहब, क्या ही खतरनाक पावर है सीना में, नहीं खाने को बढ़ती है भाई रोडों को भी। क्या ही वेदर हो गया कसम से, मेरे को तो लगता है आते टाइम ठंड ना लगने लग जाए, और मैं ले आके भी आया हूँ तो ज़्यादा सीन लग रहा है भाई साहब। चेक करो यार, मैंने तुम्हें भद्रवाह वाले व्यू बड़े चेक कराए, लेकिन अपना चित्र करना कोई अपना ही अलग लेवल है। सो जो भी है भाई खतरनाक है। सो अभी कोई अच्छी सी लोकेशन पर चलते हैं, आज राइड मारने का मानना कोई अच्छी सी लोकेशन का, मतलब जो प्यारी सी लोकेशन लगेगी ना वहाँ पर रुकेंगे। अब देखते हैं वो लोकेशन कौन सी होने वाली है, फिलहाल तो हम निकल गया घर से। तो भाई भद्रवाह में तो बात करूं भाई, इस टाइम भाई गर्मी तो तगड़ी होती थी, लेकिन जो रात को ठंड होती थी ना भाई खतरनाक होती थी। अनिल भाई भी नहीं आए हैं, पिछले थोड़े दिन तक अनिल भाई भी नहीं आएंगे, उसके बाद अनिल भाई भी आ जाएंगे। सो जैसे ही अनिल भाई आ जाएंगे, वैसे भी कंटिन्यूसली व्लॉग करना स्टार्ट कर देंगे हम थोड़े दिन तक, क्योंकि जो ये राइड का प्लान बना भाई ये रैंडमली बना, और इसमें भाई मैं अकेले चल रहा हूँ बाइक लेके, मतलब साथ में मेरा भाई है वो पीछे बैठा है, और बस हम दोनों ही हैं, समझ लो भाई सोलो ही राइड चल रही है बाइक पे, समझ लो भाई बाइक पे ही राइड कर रहे हैं। तो भाई हम दो ही जने हैं, मैं और मेरा भाई, बाकी और कोई नहीं है, अकेले ही राइड कर रहे हैं। तो भाई भी बोल रहा था कहीं घूमने चलते हैं, कोई अच्छी जगह देखने, मैंने बोला कोई चक्कर चलते हैं। सो अभी हम पहुँचे थे कामिनी के पास, और तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ कि भाई आजकल ट्रैफिक ऐसा लग रहा है ना इस साइड भी कि तुम पूछो ही जिला। अभी जब ये रोड बनेंगे ना हमारे प्रॉपरली, तब भी मतलब कि थोड़ा कम तो हो ही जाएगा ट्रैफिक वगैरह। और सबसे गंदी बात यहाँ की क्या होती है कि भाई कोई भी ज़्यादा जैसे अभी वो इधर इंडिकेटर नहीं देखेगी, डायरेक्ट ही भाई हो जाते हैं, तुम्हें पता है। यानी कि यहाँ पे आगे इतने प्यारे प्यारे लीन है कि तुम क्या ही बात करो, जो कि भाई तुम्हारे के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हाइट के नाम पे भाई तुम्हारा ऐसे ही 24 घंटे बाहर निकल ही जाता है। सो खाया पिया भी कुछ नहीं है, कोई चक्कर ही आके खाते हैं। सो पहले तो टक्कर मार के आते हैं कहीं पे अच्छा था।
सो भाई यहाँ पे पूरी ट्रक वगैरह की लेन ब्लॉक करके रखी हुई है। आई थिंक सो इनकी टाइमिंग होती है निकलने की, तब तक ये यहीं पे रहेंगे। ये आगे थी रोड, पहले ही इतना मतलब कि पहले ही भाई ये रोड इतना भाई कम लगता था, अब तो भाई मैं कह रहा हूँ क्या ही बोलूँ यार ट्रैफिक लग जाया करेगा भाई अब से यहाँ पे। और भाई काफ़ी आगे तक लाइन्स लगी हुई है भाई ये ट्रक की। और ये चचा चचा पे मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है यार, अगर तुम्हारे मिरर दिया है तो भाई इसको लगा देने चाहिए ना, बाद में अगर कभी ठुक ठुक जाए तो फिर बाकियों को नाम या ब्लेम देने से क्या फ़ायदा भाई। तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखे करो मेरे भाई। भाई अब ये ट्रक के बीच में से निकालने वाली गलती नहीं करनी यार, थक जाएंगे भाई साहब। क्या ही गंदी क्लोज कॉल। ओ शिट 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 भाई देख रहे हो ये सीन गलत होता है यार, जब से लेन्स पे ऐसे ट्रक चलते हैं ना भाई, इनको भी ओवरटेक मारना है तो भाई लेन्स में ही मारना है भाई, तुम बाद में मारो सीधे रोड पे मारो भाई, यहाँ पे कौन मारता है यार। यार इनको क्या ही बोलूँ कसम से यार, अभी तभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, देखो यार ऐसे ही सीन होता है, अभी हम तो आ रहे हैं भाई कहीं कंट्रोल नहीं करते तो भाई वो सीधे ठोक भी देते हैं कसम से कह रहा हूँ। अब मैं मानता हूँ ये गाड़ियाँ दोनों लोड हुई हुई है भाई, इनमें स्पीड भी थोड़े कम से मतलब कि लोड है उसकी वजह से आराम से चल रही है, लेकिन तब भी भाई इनके चक्कर में बाकी भी तो फंस जाते हैं भाई, ये थोड़ा इनको भी ध्यान देना चाहिए भाई, ऐसे करेंगे तो भाई कैसे चलेगा। और वेदर देख लो एक बार व्यू पॉइंट का भाई, ख़तरनाक हो गया इस टाइम व्यू पॉइंट के भी भाई अलग ही नज़ारे है भाई तुम्हारे ने, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़े किए हुए हैं कसम से कह रहा हूँ। मेरी बड़ी यादें हैं व्यू पॉइंट वाली साइड की, अभी का नहीं काफ़ी देर पहले की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यादें हैं कसम से बोल रहा हूँ मेरी। और भाई यहाँ पे हवा इतनी तेज़ हो गई ना, मेरे को नहीं लग रहा तुम्हें मेरी वॉइस भी प्रॉपर सुनाई दे रही होगी, इतनी तेज़ हवा चल गई है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ना भद्रवाह का मौसम भाई तुम्हारा यहाँ पे लेके आ गया हुआ है ना, वैसा सीन चल रहा है भाई यहाँ पे पूरा। भाई बड़ी गंदी हवा चल रही है यार। सो ये रहा हमारा यहाँ का टोल टैक्स, और यहाँ पे भी तुम्हें पता ही ट्रैफिक होता ही होता है भाई। एक तो ये बैरियर बुरियर जो लगाया ना भाई, बड़े गलत तरीके का लगाया, बंदे ने नहीं भी मरना ना तब भी मरेगा। सो भाई आज यार वेदर कैसा ही चल रहा है नहीं समझ नहीं आ रही, आगे तुम पहाड़ियाँ देख रहे हो भाई, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि पहाड़ियाँ तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिख रही हो यहाँ से, मतलब कि ये पास वाली तो दिखती है, वो दूर दूर वाली दिख रही हो बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है आज, ऐसा लग रहा है जैसे बादल वगैरह नहीं ना, और पहाड़ियाँ को चेक कर रहा है। सो अभी आ गए हम अपने फर्स्ट टनल पर, जो कि थोड़ी सी आ गई है तो दिखाता हूँ तुम्हें अभी। यो सो अभी एंटर होने वाले हैं फर्स्ट टनल पर, भाई साहब क्या ही साउंड है यार, भाई सच में अब ठंड लगने लगी है खतरनाक वाली, तो मैं क्या ही बताऊँ यार। देखो डर रहा है यार इन मंकीज वगैरह का, जो छोटे छोटे मंकीज है ये ना पीछे में खा जाए, आवाज़ सुननी है ऐसी ना कि चेक करो यार। अभी हमारी थर्ड टनल आ गई भाई, यहाँ पे तीन टनल हैं पर तीनों तीनों प्यारी है, अब यहाँ पे तो तगड़ा दे रहा भाई, दिख भी नहीं रहा कुछ आगे, सभी हम निकल चुके हैं टनल से बाहर। क्या सीन हुआ वो देख रहे हो भाई, गाड़ी देखो कहाँ चढ़ी हुई है यार है।